तो मोबाइल स्विच ऑफ होने पर किसका कॉल आया? अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल में मिस कॉल रिमाइंडर सेटिंग को ऑन करना होगा। इस सेटिंग को अगर आप ऑन कर लेते हो तो मोबाइल बंद होने पर आपके पास किस किस बंदे ने कॉल किया था वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। साथ ही अगर आप फ्लाइट मोड कर देते हो तो उसके बाद आपके पास किस बंदे ने कॉल किया था वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये सेटिंग आप अनेबल कैसे करेंगे, तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे डायलर पैड को ओपन कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे ऊपर की साइड सेटिंग के आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे नीचे की साइड एडवांस सेटिंग मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। तो आपको यहाँ पे मिस कॉल रिमाइंडर की सेटिंग मिल जाएगी। इस सेटिंग के जरिए आप ये काम कर सकते हैं। बट अगर आपके मोबाइल में इस प्रकार से ये सेटिंग नहीं मिल रही तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। तो इस सेटिंग पर पहुंचने का दूसरा तरीका है, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है मिस कॉल रिमाइंडर। जैसे ही आप ये लिख के सर्च करेंगे तो ये सेटिंग आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ से आपको इसे ओपन कर लेना है, तो आपके सामने डायरेक्ट वही इंटरफेस आ जाएगा। तो आप यहाँ पे मिस कॉल रिमाइंडर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन शो कर रही होंगी, जैसे कि 1 time, 2 time, 3 time, 5 time, 10 times, ये क्या है? तो ये मैसेज का टाइम है। आप कॉल रिमाइंडर मैसेज कितनी बार लेना चाहती है वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो हमें बस एक ही बार चाहिए जिससे कि हमें पता चल सके कि किस बंदे ने हमारे पास कॉल किया था। तो मैं यहाँ पे 1 time सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद जब भी हमारा मोबाइल स्विच ऑफ होगा या फिर फ्लाइट मोड में होगा, उसके बाद कोई भी बंदा हमारे पास कॉल करेगा तो बाद में हमें पता चल जाएगा कि किस बंदे ने हमारे पास कॉल किया था। तो मैं इसे आपको यहाँ पे लाइव करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं अभी अपने मोबाइल को यहाँ पे स्विच ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है, और दूसरे मोबाइल से मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे स्विच ऑफ दिखा रहा है। और अभी आप इस मोबाइल में टाइम देख सकती है, 9:59 हो रहे हैं। तो चलिए अब मैं अपने मोबाइल को यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ और देखते हैं कि हमें यहाँ पे मिस कॉल रिमाइंडर का नोटिफिकेशन मिलता है या फिर नहीं। लगभग 2 से 3 मिनट बाद हमें यहाँ पे मिस कॉल रिमाइंडर का नोटिफिकेशन मिल चुका है। यह नोटिफिकेशन आपको तुरंत भी मिल सकता है, वरना 2-3 मिनट का इसमें समय लग सकता है। और यहाँ पर आप टाइम मैच कर सकती हैं, हमने 9:59 पे कॉल किया था तो यहाँ पे वही टाइम यहाँ पे शो कर रहा है। कितनी बार कॉल किया था, किस नंबर से कॉल किया था, किस डेट पे कॉल किया था, सभी जानकारी आपको इस मैसेज में मिल जाएगी।